बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिस्कशन कर रहे थे। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इतना सीख लिया था कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस है, किसी भी शेप का सरफेस है, क्लोज सरफेस है, और एक चार्ज क्यू इस क्लोज सरफेस के अंदर है, राइट। ये सरफेस हमारा क्लोज है और किसी भी शेप का हो, एनी शेप ऑफ सरफेस। अगर ऐसा है तो हम कहते थे इस क्यू चार्ज से निकलने वाली सारी की सारी फील्ड लाइंस, जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी, बताओ, सारी की सारी फील्ड लाइंस एक बार इस सरफेस को जरूर इंटरसेक्ट करेगी। तो हम कहेंगे कि इस सरफेस से इस चार्ज का जो फ्लक्स होगा वो लिंक्ड होगा। और बताओ, अगर हमने किसी चार्ज को किसी सरफेस से पूरी तरीके से घेर लिया तो हम कहेंगे हमने उस चार्ज का पूरा फ्लक्स फंसा लिया। और वो फ्लक्स बताओ होता था क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम लोग ऐसे भी बोलते थे क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यानी एक बात हम सीख गए थे, अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है तो उस चार्ज का उस सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अच्छा, अब समझो, अगर चार्ज बाहर होता था, ये वो सरफेस है और चार्ज कहाँ है, बाहर। सरफेस क्लोज्ड है, 3D सरफेस है, चार्ज बाहर है। तो बताओ जरा, बाहर अगर चार्ज रखा तो इससे निकलने वाली कोई भी फील्ड लाइन सरफेस को कितनी जगह कट करती थी, दो जगह है। तो जितना फ्लक्स यहाँ पे नेगेटिव होता था, इनकमिंग फ्लक्स या एंटरिंग फ्लक्स, उतने ही फ्लक्स यहाँ से बाहर निकलता था, लीविंग फ्लक्स जो कि होता था पॉजिटिव फ्लक्स। तो फाइव नेगेटिव फाइव पॉजिटिव मिलकर के फाइव नेट क्या होता था, जीरो। तो हमने आपको कल बताया था कि अगर कोई चार्ज बाहर है, किसी क्लोज सरफेस के बाहर रखा गया है, तो इस चार्ज की वजह से इस सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स क्या आएगा, जीरो। और वो मैंने एक्सप्लेन भी करा था कि जितना चार्ज इनकमिंग फ्लक्स होगा, जितना बताओ एंटरिंग फ्लक्स होगा, उतना ही लीविंग फ्लक्स होगा, तो नेट फ्लक्स क्या बोलेंगे, जीरो, राइट। अब देखना ध्यान से, तो हमने दो अपने स्टैंडर्ड तय कर लिए कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज है तो हम उस चार्ज का पूरा फ्लक्स उस सरफेस से फंसा लेंगे और वो होगा क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो अगर कोई चार्ज किसी क्लोज सरफेस के बाहर है तो उस चार्ज का उस सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स जीरो होगा, राइट। अब देखना बेटा, अब मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि मान लीजिए हम एक कोई भी क्लोज सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा समझना बेटा। मान लो हम आपसे कहें एक क्लोज सरफेस ऐसे है, इसके अंदर एक चार्ज क्यू वन, एक अंदर चार्ज क्यू टू, बाहर में एक चार्ज क्यू थ्री, एक बाहर में चार्ज क्यू फोर, ऐसे हमने फोर पॉइंट चार्जेस लिए हैं, ठीक। और ये बताओ हमने एक क्लोज सरफेस लिया, इस क्लोज सरफेस के अंदर दो चार्ज हैं क्यू वन क्यू टू, बाहर चार्ज है क्यू थ्री क्यू फोर, राइट। तो देखना ध्यान से, मैं अगर क्यू वन के लिए लिखूं सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए विल बी इक्वल टू, बताओ जरा, क्यू वन के लिए अगर मैं लिखूं तो देखो ई वन का मतलब, ये जो ई वन है, ई वन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ड्यू टू क्यू वन चार्ज। तो इस क्यू वन चार्ज की वजह से सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो ई वन वैक्टर, और ई डॉट डी ए को हम लोग बोलेंगे ये पूरा बन गया हमारा फ्लक्स, इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्स। तो देखो मैं यहां भी लिख भी दे रहा हूं, ई वन डॉट डी ए ओवर क्लोज सरफेस, इसका नाम है फ्लक्स लिंक्ड विद फ्लक्स ऑफ क्यू वन लिंक्ड विद क्लोज्ड सरफेस। तो ध्यान से देखना बेटा, बहुत बढ़िया से एक बात समझ लो, ई वन डॉट डी ए ये बताइए हमारा है फ्लक्स ऑफ क्यू वन, किसके साथ, इस क्लोज सरफेस के साथ।
इवन हो गया क्यू वन की वजह से इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ ये फ्लक्स लिखा है और ये चार्ज अंदर है तो इसका फ्लक्स होगा क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अगर हम बताओ ई टू डॉट डी ए लिखें, ये जो हम लोग सर्कल बना रहे हैं इसका क्या मतलब है, क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज लूप के लिए, राइट। तो ई डॉट डी ए सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू। तो बताओ ये बेटा फ्लक्स बन गया किसका, क्यू टू का, और क्यू टू का फ्लक्स बताओ क्यू टू अंदर है तो क्यू टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बताओ क्यू टू पूरा अंदर है क्यू टू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आइए जरा क्यू थ्री के लिए, तो ई थ्री डॉट डी ए, ई थ्री डॉट डी ए ओवर क्लोज सरफेस, बताओ क्यू थ्री कहाँ है, बाहर, बाहर वाले चार्ज की वजह से इस सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स जीरो। तो ये जीरो, ये जीरो क्यों, क्योंकि ये फ्लक्स लिखा है ई डॉट डी ए। सिमिलरली ई फोर डी ए, ई फोर डॉट डी ए बराबर, तो बताओ क्यू फोर भी तो बाहर है, तो बाहर वाले चार्ज की वजह से इस सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स जीरो। इन चारों को जरा ऐड कर दीजिए, इन चारों को जरा ऐड करो तो ये क्या बना, देखो सरफेस इंटीग्रल ई वन वैक्टर, ई टू वैक्टर, ई थ्री वैक्टर, ई फोर वैक्टर, और ये देखो डॉट प्रोडक्ट डी ए विल बी इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान दो ये क्या चीज लिखा है, ये लिखा है नेट फील्ड, इसकी सरफेस पर, ये जो सरफेस है इस सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर नेट फील्ड की बात हो रही है, तो ये लिखा नेट फील्ड। बताओ बेटा ये जो नेट फील्ड है ये Q1 का अकेला कि Q2 का कि चारों का मिला के, तो आप कहोगे सर ये चारों का मिला करके फील्ड लिखा है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 का वेक्टर एडिशन नेट फील्ड। तो बताओ ये नेट फील्ड डॉट डी ए विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ जरा जो फील्ड आया है वो बताओ इनक्लोज चार्ज, ये जो Q1 प्लस Q2 है वो बताओ अंदर का चार्ज है, तो इस लॉ को हम लोग बोलने लगते हैं गॉस लॉ। तो ध्यान दीजिए यहाँ से एक लॉ आ गया, नेट फील्ड डॉट डी ए, नेट फील्ड डॉट डी ए, नेट फील्ड डॉट डी ए, तो बताओ ये क्या लिखा है, ई डॉट डी ए, और ई कौन सा नेट, और ये होगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस लॉ को हम लोग बोलने लगते हैं गॉस लॉ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ध्यान दीजिए जरा गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि किसी भी सरफेस से, ये सरफेस को बोलते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस, इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। तो समझो मतलब गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर किसी सरफेस के अंदर बाहर कुछ चार्ज हैं तो उस सरफेस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस विल बी इक्वल टू क्यू एन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट, नेट फील्ड मतलब चारों का मिला करके, और वो बताओ बराबर होगा क्यू इन, जो इनसाइड का सरफेस है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि यहां देखो क्यू वन प्लस क्यू टू था। तो ये हमने गॉस लॉ तुम्हें समझाया है कि बताइए नेट फील्ड, नेट फील्ड में साफ साफ लिख दे रहा हूं ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस। और ये फील्ड कहां पे है, फील्ड एट द सरफेस, एट द सरफेस ड्यू टू ऑल चार्जेस विल बी इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखो बेटा ये पता क्या लिखा, ई नॉट डी ए, ई नेट डॉट डी ए, ये बन गया नेट फ्लक्स, और ये नेट फ्लक्स होगा बताओ क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। सही बात है, क्योंकि इनका जो फ्लक्स होगा, ये जो बाहर वाले चार्ज हैं इनका फ्लक्स होगा जीरो जीरो, तो केवल फ्लक्स किसका आएगा, अंदर वाले चार्ज का आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, लोगों को क्या लगता है ये जो ई लिखा है ये केवल अंदर वाले चार्ज का है, नहीं, ये जो E आया है वो ड्यू टू ऑल चार्जेज, नेट चार्जेज, जो जितने भी चार्जेज हैं ये नेट फील्ड आया है। तो गॉस लॉ में जो हम लोग E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, उसमें जो E होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ड्यू टू ऑल चार्जेज होता है, और ये बात मैंने प्रूव भी कर दी है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिए गॉस लॉ, अब आप हेडिंग डालिए गॉस लॉ, गॉस लॉ, ये बात एकदम क्लियर है बेटा।
राइट। तो इसमें लिखा है फ्लक्स लिंकेज, गॉस लॉ में एक लाइन लिखी है फ्लक्स लिंकेज विद एनी क्लोज सरफेस, फ्लक्स लिंकेज विद एनी क्लोज सरफेस, फ्लक्स लिंकेज विद एनी क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनक्लोज चार्ज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनक्लोज चार्ज बाई दैट सरफेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनक्लोज चार्ज बाई दैट सरफेस, राइट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनक्लोज चार्ज बाई दैट सरफेस। तो ध्यान दीजिए, ये मैं रख कर रहा हूँ, तो समझिए जरा गॉस लॉ क्या कहता है। गॉस लॉ कहता है फ्लक्स फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनक्लोज चार्ज बाय दैट सरफेस। मतलब हम लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस ई नेट डॉट डी ए, ये क्या बन गया टोटल फ्लक्स, और ये टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई नेट डॉट डी ए ये बताओ क्या है नेट फ्लक्स टोटल फ्लक्स, राइट, ये हमारा बताइए गॉस लॉ है। इसके नीचे एक लाइन और लिखिए, एक लाइन इसके नीचे और लिखिए लिंक्ड फ्लक्स, लिंक्ड फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, लिंक्ड फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस does not depend on, link flux through the closed surface does not depend on shape of the surface, does not depend on shape of the surface and position of charge inside the surface, एंड पोजिशन ऑफ चार्ज इन साइड द सरफेस, राइट। मतलब क्या कहने का कि वो क्लोज सरफेस का सेप कुछ भी बना रहे, वो चार्ज चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, यहाँ कहीं भी रखा हो, अगर ये क्यू चार्ज है तो इस क्लोज सरफेस के साथ जो लिंक्ड फ्लक्स होगा वो क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, चाहे वो चार्ज यहाँ हो चाहे वो चार्ज यहाँ हो चाहे वो चार्ज यहाँ हो, और वो इनक्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो, चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे वो छोटा स्फीयर हो चाहे बड़ा स्फीयर हो, क्लोज सरफेस होना चाहिए, राइट। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है, राइट। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए ज़रा। अब देखिए जाइए, मान लीजिए हम आपसे ऐसे कहें कि हमने एक हेमिस्फेरिकल सरफेस को, मान लो आपसे कहते हैं कि एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है ऐसे, ऐसे हेमिस्फेरिकल सरफेस और ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई नॉट, और ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, और दूसरे केस में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारा हेमिस्फेरिकल सरफेस ऐसे है, ऐसे, ठीक है, और ये क्लोज सरफेस है बेटा, ये हमारा क्लोज्ड सरफेस है, ये दो सवाल हैं, ये क्लोज्ड सरफेस है, यहां पर भी क्लोज्ड सरफेस है, हेमिस्फेरिकल सरफेस है क्लोज्ड, राइट। तो सवाल लिखिए फाइंड लिंक्ड फ्लक्स, फाइंड लिंक्ड फ्लक्स विद कर्व्ड सरफेस, फाइंड लिंक्ड फ्लक्स विद कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉडी, फाइंड लिंक्ड फ्लक्स विद कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉडी, राइट। तो पहले इसको करेंगे फिर उसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए, अगर ये क्लोज सरफेस है
और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस को देखिए, ये वाली फील्ड लाइन एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, दो जगह कट कर रही है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर कोई क्लोज सरफेस किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो हम कहते थे उस सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स जीरो होगा। तो बताओ इतना तो तुम कह सकते हो कि फाई टोटल विल बी इक्वल टू फाई कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस प्लस फाई फ्लैट सरफेस। ये हमारा फ्लैट सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है, और हमें बताइए टोटल फ्लक्स जीरो है। ये मैंने कल बताया था आपको कि अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमने याद करो एक सिलेंडर रखा था क्लोज सरफेस सिलेंडर, और हमने साबित करा था अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई भी शेप का क्लोज सरफेस रख दें तो उस क्लोज सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स टोटल जीरो होता है। तो बताओ टोटल फ्लक्स विल बी जीरो। अब ये देखो फाई कर्व्ड, कर्व्ड सरफेस के साथ प्लस फ्लैट सरफेस। तो बताओ बेटा ये जो फ्लैट सरफेस है ये वाला, इसका बताओ एरिया वेक्टर। तो बताओ इसका जो एरिया वेक्टर होगा, मैंने सिखाया था कि एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। तो क्या इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, ये होगा एरिया वेक्टर। और बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, कितना एंगल है 90, तो क्या बताओ ई डॉट डी ए जीरो हो जाएगा। तो फ्लैट सरफेस का बताओ फ्लक्स जो होगा ई नॉट ए कॉस 90, और बताओ कॉस 90 हमारा जीरो, तो ये फैक्टर जीरो। तो बताओ ये जीरो है, ये भी जीरो हो गया, तो फाई कर्व्ड सरफेस भी इस केस में जीरो ही आएगा, इसमें जीरो आएगा, राइट। अब आ जाओ जरा इधर, इसमें अगर हमसे कहा जाए कि इस कर्व्ड सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स बताइए, तो आप कहेंगे सर ये क्लोज सरफेस है, और आपने सिखाया था क्लोज सरफेस के साथ अगर क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो नेट फ्लक्स तो जीरो ही होने वाला है। और यहां लिखेंगे फाई कर्व्ड प्लस फाई फ्लैट, कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लैट सरफेस, राइट। अब देखना भाई यहां पे इस कर्व्ड सरफेस के साथ हमको लिंक्ड फ्लक्स निकालना है, लेकिन बताओ फ्लैट सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स हमको ऑलरेडी पता है अगर देखा जाए तो। ये देखो टोटल जीरो है, टोटल फ्लक्स तो जीरो है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। तो बताओ इस फ्लैट सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऐसे होगा। अब बताओ यहाँ ई नॉट और ए दोनों के बीच में कितना एंगल है, जीरो डिग्री। तो आप लिखोगे कि ये हमको कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स निकालना है, और जो फ्लैट सरफेस है उसका फ्लक्स हो गया ई नॉट ए कॉस जीरो, कॉस जीरो बेटा वन होगा। तो ये देखना जीरो बराबर फाई कर्व्ड, कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स निकालना है ई नॉट इंटू एरिया, बताओ ये एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, कॉस जीरो कितना वन। तो यहाँ बताओ फाई कर्व्ड सरफेस से जो निकल के आएगा वो माइनस का ई नॉट पाई आर स्क्वायर निकल के आएगा, ये आंसर। तो इस केस में बताइए कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स जीरो है, जबकि इस केस में कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है, राइट। और कितना आ रहा है माइनस ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, आई थिंक क्लियर। अब देखना बेटा, अब देखिए आप समझना जरा, मैं तुमसे ऐसे कहूं कि मान लीजिए एक स्फेरिकल सरफेस है, ऐसे स्फेरिकल सरफेस, और चार्ज इसके सेंटर पे रख दिया हमने मान लो क्यू चार्ज, ठीक। तो एक बात बताइए इस पूरे सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स क्या होगा। तो आप कह रहे थे सर इस सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स होगा क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फ्लक्स हो जाएगा फाई टोटल, राइट। अच्छा याद करो फ्लक्स होता क्या था, हम बताओ इसी चार्ज को छोटे सरफेस से घिर दें, बड़े सरफेस से घिर दें, तो आप कह रहे थे हमने इसकी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को अगर सरफेस एरिया के साथ लिंक्ड करा लिया तो हमने इस चार्ज का टोटल फ्लक्स लिंक्ड करा लिया, और किसी भी चार्ज का टोटल फ्लक्स होता क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट। तो जरा समझना, मैं तुमसे कहूँ इसकी फील्ड लाइंस मान लो ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं,
ऐसे जा रही, इतनी फील्ड लाइन बताओ ऊपर वाले पोर्शन में जा रही होंगी ऐसे, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन नीचे वाले हेमिस्फीयर में होंगी उतने ऊपर वाले हेमिस्फीयर में होंगी। बेसिकली फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इज द काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विद सरफेस एरिया। फ्लक्स इज काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विद सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के साथ अगर हम किसी चार्ज से निकलने वाली सारी की सारी फील्ड लाइन्स को लिंक्ड करा लेंगे तो हम कहेंगे हमने उस सरफेस के साथ उस चार्ज का पूरा फ्लक्स फंसा लिया, और वो पूरा फ्लक्स होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं तुमसे कहूँ इस स्फीयर को मैं हेमी स्फीयर कर दूँ, ध्यान से समझना, अगर हेमी स्फीयर कर दें ऐसे, और ये चार्ज बेटा यहाँ रखा देखो क्यू चार्ज, ठीक, तो बताओ तुम मुझे जो फील्ड लाइंस ऊपर जा रही नहीं वो बताओ फील्ड लाइंस अभी भी ऐसे ऊपर जा रही होंगी जो कि हमारे स्फेरिकल बॉडी के एरिया के साथ लिंक्ड नहीं हो रहे हैं। ये वाला फ्लक्स हमारा लीक कर गया, ये लीक कर गया, लेकिन बताओ जो फील्ड लाइंस अंदर आ रही थी वो अभी भी अंदर आ रही है। तो क्या बताओ तुम मुझे, अगर ये चार्ज सेंटर पे रखा था तो इसकी टोटल फील्ड लाइंस का आधा नंबर बाहर लीक कर गया और आधा फील्ड लाइंस अभी भी बताओ इस सरफेस एरिया के साथ लिंक्ड है। तो हम कहेंगे कि हमने इसके टोटल फ्लक्स का आधा फ्लक्स अपने सरफेस एरिया के साथ लिंक्ड कराया, तो यहाँ बताओ जो फ्लक्स आएगा वो क्यू बाई टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो देखिए बेसिकली फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विद सरफेस एरिया। तो कितनी फील्ड लाइंस का नंबर सरफेस एरिया के साथ लिंक्ड है, अगर पूरी की पूरी फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया के साथ लिंक्ड हैं तो हम कहेंगे हमने फ्लक्स फंसाया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर उस चार्ज की आधी फील्ड लाइंस लिंक्ड हैं तो फ्लक्स भी आधा हो जाएगा। तो चलो बताना, अब कोई हमसे कहे हम इस चार्ज को इसके सेंटर से थोड़ा खिसका दें, मान लो यहाँ ले आए खिसका के यहाँ पे रख दिया हमने प्लस क्यू चार्ज, यहाँ खिसका दिया, अब कहा जाए कि बताइए इस चार्ज का इस सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स बताइए, तो आप पता क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ऐसा है इस चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइन ऐसे थी, ये फील्ड लाइन ये वाली फील्ड लाइन ये है, ये वाली फील्ड लाइन ये है, ये अभी भी बाहर हो रही हैं, ये लीक कर रही हैं, लेकिन बताओ जो नीचे फील्ड लाइन आ रही थी अब वो ऐसे होगी, जो फील्ड लाइन यहाँ कट कर रही थी अब वो यहाँ कट कर रही है, और बताओ ये वाली फील्ड लाइन जो यहाँ कट कर रही थी अब वो यहाँ आ गई, और एक फील्ड लाइन यहाँ। तो अगर मैं कहूँ इस चार्ज से टोटल सिक्स फील्ड लाइन्स निकली, तो क्या बताओ तीन फील्ड लाइन्स अभी भी बाहर जा रही हैं, और तीन फील्ड लाइन्स का अभी भी बताइए हमारे सरफेस एरिया के साथ लिंकेज है। तो बताओ तू मुझे वो फील्ड लाइन सरफेस एरिया में कहीं भी लिंक्ड हो, अगर हमने बताओ आधा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अभी भी लिंक्ड कराया तो बताओ फ्लक्स बदला कि वही रहा, तो आप कह रहे हैं सर अभी भी जो फ्लक्स होगा इस हेमिस्फीयर के साथ वो वही पुराना वाला क्यू वाई टू एप्सिलॉन नॉट होगा, राइट। हम कह रहे हैं हमने आधा फ्लक्स फंसा लिया क्यू वाई टू एप्सिलॉन नॉट, हमने आधा फ्लक्स फंसा लिया क्यू वाई टू एप्सिलॉन नॉट, राइट। कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा मैं तुमसे ऐसे कहूँ कि मैं कहूँ हेमी स्फीयर है ऐसे, और हम इस चार्ज को थोड़ा सा अंदर खिसका दें, यहाँ खिसका दें, चलो क्यू चार्ज ऐसे खिसका दें, तो अब तुम देखना ये वाली जो फील्ड लाइन्स थी नीचे वाली वो तो बताओ अभी भी यहाँ कहीं लिंक्ड हो रही होंगी, और ये वाली फील्ड लाइन जो बाहर निकल रही थी अब बताओ वो भी कहीं ना कहीं फंस सकती है, और कुछ फील्ड लाइन्स बाहर भी निकल सकती है। तो अब बताओ इस हेमिस्फीयर के साथ लिंक्ड होने वाली फील्ड लाइन का नंबर हाफ नंबर से बढ़ गया, तो अब बताओ इस हेमिस्फीयर के साथ जो लिंक्ड फ्लक्स आएगा फाई लिंक्ड, बताओ वो हाफ फ्लक्स क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट ना हो करके उससे कुछ ज्यादा होगा, राइट। ये कब की बात है? जब हमने इस चार्ज को हेमिस्फीयर में थोड़ा अंदर शिफ्ट कर दिया, लेकिन अगर हम इस हेमिस्फीयर को इस डायमीटर के अलॉन्ग बताओ चार्ज को कहीं भी शिफ्ट करें फ्लक्स क्या रहेगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब समझना जरा, अच्छा बताओ हेमिस्फीयर बना रहे, बात हेमिस्फीयर की नहीं, बात है कि उस चार्ज से निकलने वाली कितनी फील्ड लाइन्स को तुमने अपने सरफेस के साथ लिंक्ड करा रखा है। तो चलिए देखते हैं, मैं तुमसे ऐसे कहूँ कि मान लो मैं तुमसे कहूँ यार मेरे पास 1/4 स्फीयर है, 1/4 ऐसे 1/4 है, लेकिन चार्ज अंदर है, चार्ज अंदर है 1/4 है, वो क्लोज सरफेस है, तो आप तो कहेंगे कि सर इसका जो फ्लक्स होगा बताओ वो फाई ई होगा क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स,
क्योंकि अब हमने इससे निकलने वाली सारी की सारी फीड लाइंस को कहीं ना कहीं सरफेस एरिया के साथ लिंक्ड कराया है। अब एक भी फीड लाइन ऐसी नहीं होगी जो सरफेस एरिया को इंटरसेक्ट ना करे और डायरेक्ट बाहर चली जाए यानी लीक कर जाए। अब कोई भी फीड लाइन लीक नहीं कर रही है, सारी की सारी फीड लाइन सरफेस एरिया के साथ लिंक्ड है, तो हम कहेंगे हमने इसका पूरा फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिंक्ड कराया, राइट। अब देखिए जनाब, तो यहां पर इतनी बात मैं मान रहा हूँ आप समझ गए हैं, तो इसके आगे अब मैं बढ़ने जा रहा हूँ। देखना बेटा, मैं तुमसे ऐसे कहूँ कि मान लीजिए हमारे पास अब ऐसे रैंडम कोई भी एक माइनस टू क्यू, एक माइनस क्यू और एक प्लस थ्री क्यू, ऐसे हमने चार्ज ले लिया, ठीक। हम आपसे कहा हमने एक क्लोज सरफेस ये लिया, हमने एक क्लोज सरफेस ये लिया, हम इस सरफेस को नाम दे रहे हैं एस वन, इस सरफेस को नाम दे रहे हैं एस टू, और एक सरफेस हमने ये लिया, ये लिया, और ये सरफेस हमारी हो गई एस थ्री, राइट। अब जरा बताना हमको एस वन सरफेस के लिए, अगर मैं लिखूं फॉर S1 सरफेस, तो बताओ S1 सरफेस के लिए आप क्या लिखोगे? सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस E डॉट डी ए, E डॉट डी ए, तो बताओ E नेट डी ए इक्वल टू क्यू इन वाई एप्सिलॉन नॉट, तो बताओ इस सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज है प्लस Q, तो देखो 3Q माइनस 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छे समझ लें, जो E नेट लिखा है ये S1 सरफेस पर यहाँ यहाँ किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, तो बताओ ये जो E नेट है ये बताइए S1 सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्जेस का है, बताओ माइनस टू क्यू प्लस थ्री क्यू का है या तीनों चार्ज का है? तो आप कहेंगे ये फील्ड है ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस, चाहे वो चार्ज सरफेस के अंदर हो चाहे वो चार्ज सरफेस के बाहर हो, लेकिन जो फ्लक्स आएगा ये बना फ्लक्स, लेकिन जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा केवल अंदर वाले चार्ज का, बाहर वाले चार्ज का बताइए क्लोज सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स जीरो होता था, क्योंकि उससे निकलने वाली सारी की सारी फील्ड लाइन दो बार कट कर जाती थी, तो जितना फ्लक्स एंटरिंग फ्लक्स होता था उतना ही फ्लक्स लीविंग फ्लक्स होता था। खैर, अगर मैं एस टू सरफेस के लिए लिखूं, फॉर S2 सरफेस, अगर मैं S2 सरफेस के लिए लिखूं, इसके लिए बताओ इससे निकलो चार्ज माइनस टू क्यू माइनस क्यू, तो आप लिखेंगे E डॉट डी ए ओवर क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू माइनस थ्री क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अगर मैं लिखूं बताओ इस S3 के लिए, तो बताओ S3 के लिए मैं लिखूंगा E डॉट डी ए, E डॉट डी ए S3 सरफेस के लिए, ये S2 के लिए था ये S1 के लिए था, तो बताओ विल बी इक्वल टू, बताओ टोटल चार्ज S3 से कितना, जीरो, तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट जीरो आएगा, जीरो आएगा, राइट। तो ये बताइए हम लोगों का गॉस लॉ है जिसका अभी हम लोग एप्लीकेशन भी करने जा रहे हैं, तो पहले समझते हैं। मैं तुमसे ऐसे कहूँ, एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसे रफ करते हैं, अब समझना, मान लो हम आपसे ऐसे कहें कि हमारे पास एक फाइनाइट प्लेट है, ऐसे फाइनाइट प्लेट है और ये एक स्क्वायर प्लेट है, इसका साइड लेंथ ए है और इसके सेंटर से ए बाई टू हाइट पर, यहाँ पर साइड लेंथ ए है, ए बाई टू हाइट पर हमने एक क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। हम जो कह रहे हैं इस क्यू चार्ज का इस प्लेट के साथ लिंक्ड फ्लक्स बताना है, तो आप कह रहे हैं सर बहुत आसान है, कैसे? हम अगर ये पता कर लें कि ऐसी कितनी प्लेट हम लगाएं ताकि हम इस चार्ज को पूरी तरीके से घेर लें, मतलब हम इस चार्ज से निकलने वाली किसी भी फील्ड लाइन को लीक ना होने दें,
तो हम कहेंगे हमने इस चार्ज का टोटल फ्लक्स फंसा लिया और वो टोटल फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और फिर हम ये पता करें कि अगर हमने इस चार्ज को ऐसी प्लेट सिमेट्री में लगाई हैं, मान लो हमसे कहा हमने ऐसी छह प्लेट लगाई, मान लो फॉर एग्जांपल, या मान लो एन प्लेट्स लगाई हैं, तो बताओ एन प्लेट ने मिलकर के फ्लक्स फंसाया होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर वो प्लेट सब सिमेट्री में है तो बताओ चार्ज अगर सेंटर पे और ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट सब सिमेट्री में है, तो बताओ यहाँ पे अगर एक बल्ब रख दें तो इस बल्ब से जाने वाली जो लाइट एनर्जी होगी, बताओ वो हर सरफेस पर हर प्लेट पर क्या बराबर बराबर पड़ेगी? तो जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बताओ वो हर सरफेस पर बराबर बराबर ही तो होगा। तो देखिए हमारा लॉजिक क्या है, हम पहले ये पता करने जा रहे हैं कि इस चार्ज को पूरी तरीके से सिमेट्री में, सिमेट्री में, सिमेट्री का मतलब अगर इस चार्ज से ये वाली प्लेट a बाई टू दूरी पे है तो बाकी प्लेट भी a बाई टू दूरी पे ही लगानी है। हम इस चार्ज को अगर सिमेट्री में पूरी तरीके से कवर कर लें तो हम कहेंगे कि हमने इस चार्ज का पूरा फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिंक कर लिया। और अगर ऐसा करने के लिए हमने एन प्लेट्स लगाई तो एन प्लेट ने मिलकर के क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स फंसाया, तो एक प्लेट के हिस्से में जो फ्लक्स आएगा वो क्यू बाई एन एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो जरा बताओ बेटा, अगर ये साइड लेंथ ए है और ए बाई टू दूरी पे चार्ज है, तो आप कहेंगे इसको फंसाने के लिए हमें एक क्यूब कंसिडर करना चाहिए। तो मैं कहना चाहिए इस चार्ज को पूरी तरीके से ढकने के लिए एक क्यूब कंसीडर करिए। ऐसे देखना बेटा, ऐसे एक क्यूब कंसीडर किया मैंने, ऐसे जिसकी साइड लेंथ में ए ले रहा हूं बेटा ए। अब तुम्हारा सवाल पता क्या बन गया, देखो अगर साइड लेंथ ए है तो चार्ज यहां सेंटर पे है, बताओ ये वाली जो प्लेट थी वो ये वाली प्लेट है नीचे वाली, यहाँ पे चार्ज बताओ यहाँ से a बाई टू दूरी पे चार्ज था सेंटर पर, राइट। ये वो प्लेट थी जो आप मैंने यहाँ दिखाई थी। तो आप कह रहे हैं सर ये चार्ज हमने छह प्लेट से, टोटल प्लेट कितनी है छह प्लेट से मिलकर के हमने इस चार्ज को क्लोज कर लिया, तो बताओ पूरे क्यूब के साथ फाइव क्यूब के साथ आप कहोगे सर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैं कहूँगा कि बताओ बेटा इस सरफेस के साथ कितना, तो बताओ अगर ये चार सेंटर पे है और छह सरफेस हैं तो इसकी बताओ जो भी फील्ड लाइंस का नंबर होगा, मान लो हम तुमसे कहें इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस टोटल 36 हैं, तो बताओ 36 फील्ड लाइन में, बताओ ये बल्ब अगर सेंटर पे टोटल लाइट रे 36 हैं, तो बताओ इस पे 6 पड़ेगी, इस पे 6 पड़ेगी, इस पे 6 पड़ेगी, इस पे 6 पड़ेगी, 6 ऊपर और 6 नीचे वाले सरफेस पर, यानी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हर सरफेस पर होगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज कहाँ पे है, सेंटर पे है, सिमेट्री में है। तो हम कहेंगे बताओ एक फेस, किसी भी एक फेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स, तो आप कहोगे इस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का बताओ छह जगह बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो आंसर होगा क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट। तो ये बताओ कोई भी फेस, एनी फेस, तो फाई थ्रू एनी फेस विल बी क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये भी एक तरीका है कि अगर हमें कभी भी एक सरफेस दिखा दी जाए और चार्ज रख दिया जाए तो आप ऐसे सोचिए कि हम उस चार्ज को सिमेट्री में पूरी तरीके से क्लोज करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि अगर हमने एन सरफेस से पूरी तरीके से कवर कर लिया तो एन सरफेस में फ्लक्स बट गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक के हिस्से में कितना आएगा क्यू बाई एन एप्सिलॉन नॉट, वो हमने यहाँ तरीका लगाया, राइट। अब समझना, मैं तुमसे ऐसे कहूँ कि मान लो हमारे पास एक इनफाइनाइट सीट है, ऐसे ये एक इनफाइनाइट ब्लेड है, ये जिगजैग दिखा रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे जिगजैग का मतलब है ये इनफाइनाइट है, समय ना जरा। मान लो आपसे कहें हमारे पास ये एक इनफाइनाइट प्लेट है और इस इनफाइनाइट प्लेट के साथ हमको लिंक्ड फ्लक्स बताना है, ध्यान से समझना, ये एक इनफाइनाइट प्लेट समय नजर आए। इनफाइनाइट प्लेट का मतलब क्या है, हमने यहां सामने एक चार्ज रखा है क्यू चार्ज, ठीक। ये इनफाइनाइट का मतलब देखो ये कहां तक गया है इनफाइनाइट, इधर भी कहां तक गया इनफाइनाइट, नीचे कहां तक गया इनफाइनाइट, नीचे देखो इनफाइनाइट, ये ऊपर भी कहां तक गया इनफाइनाइट, ऐसे समझिए। अब आप थोड़ा सा, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा।
हमने सामने एक इनफाइनाइट प्लेट रख दी है, इनफाइनाइट प्लेट का मतलब समझिए ऐसे है ये प्लेट, ठीक। ये कहां तक गया है? इनफाइनाइट तक। इधर भी कहां तक गया? इनफाइनाइट तक। ये ऊपर भी इनफाइनाइट तक गया, नीचे भी इनफाइनाइट तक गया। हमने इसके सामने यहां पर एक क्यू चार्ज रख दिया, हम कह रहे हैं इस क्यू चार्ज का इस इनफाइनाइट सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स बताना है। तो आपका तरीका क्या कि सर हम ये सोचेंगे कि हमें ऐसी कितनी इनफाइनाइट प्लेट लगाएं ताकि इस चार्ज को पूरी तरीके से कवर कर लिया जाए, ताकि इस चार्ज का पूरा फ्लक्स फंसा लिया जाए, और फिर हम पता कर लेंगे कि एक प्लेट के हिस्से में कितना फ्लक्स आएगा। तो जरा जवाब दो तुम मुझे। आपने कहा सर हमें ऐसा लग रहा है कि दो प्लेट की ज़रूरत है बस, हमें ऐसा लग रहा है केवल सर दो प्लेट लगाइए काम हो जाएगा। देखो कैसे, एक प्लेट ये और एक प्लेट मैंने ये लगा दी ऐसे, ये दो प्लेट आपने सामने है और बीच में यहाँ चार्ज रखा है, राइट। मान लो मुझे, मान लो चार्ज यहाँ रखा बीच में, ये दो प्लेट है। अब देखना ध्यान से, मैं कह रहा हूँ मैंने इन दोनों प्लेट से सारी की सारी फील्ड लाइन को लिंक करा लिया, हमने बताओ दो प्लेट से फ्लक्स फंसा लिया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तुम कह रहे हो सर कैसे फंसा लिया, मुझे तो बहुत सारा फ्लक्स बाहर निकलता दिख रहा है। तो देखिए जरा, आप देखिए यहाँ मान लो ये चार्ज है, आपने कहा सर ये फील्ड लाइन का क्या होगा? अरे जो फील्ड लाइन इधर जाएगी, ये सरफेस कहाँ तक गई है? इनफाइनाइट तक गई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ कट करेगी, ये इन्फाइनाइट तक गया है तो यहाँ इंटरसेक्ट करेगी। तुम कहो सर इधर जो फील्ड लाइन जाएगी वो बताओ यहाँ कहीं इन्फाइनाइट तक गई है, कट करेगी। तुम कहो सर ये फील्ड लाइन का क्या होगा जो इधर जा रही होगी, तो ये कहाँ तक गया है? इन्फाइनाइट तक गया है, क्या इधर कट कर जाएगी? तुम कहो सर अच्छा सबको समझ में आ रहा है, ये वाली फील्ड लाइन जो स्ट्रेट आ रही होगी इधर, उसका क्या होगा? अरे जो फील्ड लाइन ये स्ट्रेट जा रही है तो ये सरफेस भी तो स्ट्रेट कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है, ये फील्ड लाइन कभी भी इस सरफेस से बाहर निकल नहीं पाएगी। सिमिलरली अगर हम इधर लगा दें एक प्लेट और, तो जो भी फील्ड लाइन इधर जाएंगी बताओ वो सरफेस में कहीं ना कहीं कट करेगी, जो फील्ड लाइन इधर आएगी बताओ वो सरफेस में यहाँ कहीं कट करेगी, या बताओ जो ऊपर जाएगी तो सरफेस भी ऊपर कहाँ तक गई है? इनफाइनाइट तक। हम कहेंगे हम आमने सामने दो पैरेलल इनफाइनाइट साइज की प्लेट लगा दें और बीच में एक चार्ज रख दें, तो हम उस चार्ज को दो प्लेट से पूरी तरीके से घेर सकते हैं, हम उस चार्ज का पूरा फ्लक्स फंसा सकते हैं। किन कितने नंबर ऑफ प्लेट से? दो प्लेट से। तो ध्यान दो बेटा, इस चार्ज को सामने अगर हम एक प्लेट और लगा दें ऐसे ऐसे, बस ये इनफाइनाइट प्लेट है बेटा, जिगजैग का मतलब इनफाइनाइट, ये ऐसे इनफाइनाइट। तो मैं तुमसे अब कहूंगा कि इन दो प्लेट से हमने इस क्यू चार्ज का पूरा फ्लक्स फंसा लिया, ये चार्ज बीच में रखा है, इस चार्ज का इस प्लेट और इस प्लेट से मिलाकर के जो फ्लक्स फंसेगा बताओ वो कितना फंसा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं ऐसे लिखूंगा फाइव टोटल, वो हुआ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बताओ ये टोटल फ्लक्स कितनी प्लेट ने बांट लिया? दो प्लेट ने। क्या बराबर बराबर बांटा होगा? बिल्कुल बांटा होगा, क्योंकि हमने दो प्लेट एकदम सिमेट्री में लगाई है। तो बताओ इस प्लेट के साथ लिंक्ड फ्लक्स फाइव ई बताओ कितना होगा? इस टोटल फ्लक्स का आधा। तो एक प्लेट के हिस्से में जो फ्लक्स आएगा बताओ वो कितना आएगा? क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? इसका रियल मीनिंग समझते हैं। इसका रियल मीनिंग ये है कि कोई भी फील्ड लाइन जैसे इधर जा रही होगी एकदम आइडेंटिकल इधर जा रही होंगी, आधी आधी फील्ड लाइन बट जाएंगी। कोई भी फील्ड लाइन ले लो, तुम कहो सर ये वाली फील्ड लाइन तो देखो ये इन्फाइनाइट तक गया यहाँ कट करेगा, तुम कहो ये वाली फील्ड लाइन तो ये देखो इन्फाइनाइट तक गया, तुम कहो ये वाली फील्ड लाइन ये इन्फाइनाइट तक गया, इधर वाली फील्ड लाइन इन्फाइनाइट तक गया, तुम कहो इस वाली फील्ड लाइन का क्या होगा? तो ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फाइनाइट तक। तो ये सरफेस भी पीछा कर रही कहाँ तक? इन्फाइनाइट तक। कभी भी इस फील्ड लाइन को बाहर निकलने नहीं देगी। तो हम कहेंगे हमने एक भी फील्ड लाइन को बगैर कट करे बाहर निकलने नहीं दिया, हमने इस चार्ज का बिल्कुल भी फ्लक्स लीक नहीं होने दिया, हमने पूरा फ्लक्स फंसा लिया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ऐसा करने के लिए हमने दो प्लेट सिमेट्री में लगाई, तो एक प्लेट के हिस्से में जो फ्लक्स आएगा वो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट आएगा, राइट। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन, अब देखना भाई अगला सवाल। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन समझो, मैं तुमसे कहूं हमारे पास एक क्यूब है, हमारे पास एक क्यूब है ऐसे, हमारे पास एक क्यूब है साइड लेंथ ए, ठीक, हमारे पास एक क्यूब है साइड लेंथ ए है, ठीक है।
हमने एक चार्ज इस क्यूब के कॉर्नर पे रख दिया यहां पर, जस्ट आउटसाइड हमने एक चार्ज क्यू इसके कॉर्नर पर जस्ट आउटसाइड रखा है। अब बताओ इस क्यूब में कितनी फेस है? 6। तो पहले तो हमें यह बताना है कि इस चार्ज का इस पूरे कमरे में, पूरे क्यूब में कितना फ्लक्स आएगा, फिर हम इसकी हर सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स निकालेंगे। तो सवाल लिखिए, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द कॉर्नर, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, पहला पार्ट है पासिंग थ्रू क्यूब। दूसरा पार्ट लिखो, थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब कंटेनिंग द चार्ज। कह रहा है वो फेस जो इस चार्ज को रख रहे हैं उन फेस से बताना, राइट। और तीसरा पार्ट, ईच फेस ऑफ द क्यूब नॉट कंटेनिंग द चार्ज। और आपसे कह रहे हैं कि उन तीन फेस से बताना है जो इस चार्ज को नहीं रख रहे हैं, राइट। हमें उनसे फ्लक्स का लिंकेज बताने को कहा गया है, ठीक है भाई। अब जरा समझते हैं। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसे देखते हैं। अब जरा सबसे पहला काम, एक काम करो यार, ये ऐसे सोचो तुम कि अगर हम इस कमरे के जस्ट बाहर एक बल्ब लगा दें, बल्ब को आप पॉइंट चार्ज समझिए, हम लगा दें इस बल्ब, अगर ये बल्ब 100 वॉट का है तो 100 जूल एनर्जी पर सेकंड ये एमिट करता है। तो हमसे ये कहा जा रहा है इस कमरे में कितने जूल एनर्जी पर सेकंड आ रही होगी, ऐसे समझिए सवाल। सवाल कुछ ऐसा है कि हमने यहाँ अगर एक 100 वॉट का बल्ब लगाया कमरे के जस्ट आउटसाइड कॉर्नर पे, तो इस कमरे के अंदर बताओ पर सेकंड कितना जूल एनर्जी आ रही होगी, हमें ये बताना है। फिर ये बताना है कि वो जो कमरे के अंदर एनर्जी आ रही है वो इन 6 फेस पर कैसे कैसे बटी होगी, हमसे ये भी कहा गया है। तो चलिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस बल्ब को हम पहले ये पता करेंगे ऐसे कितने क्यूब हम लगाएं ताकि इस बल्ब को पूरी तरीके से कवर कर सकें, ताकि इस बल्ब से निकलने वाली एक भी लाइट रे बाहर ना निकलने पाए। हम इसका पूरा का पूरा फ्लक्स लिंक्ड कराना चाहते हैं। तो ज़रा जवाब दो, इस क्यूब को ढकने के लिए, इस क्यूब चार्ज को ढकने के लिए हमें ऐसे कितने क्यूब चाहिए? तो आपका जवाब है सर 8 क्यूब। कैसे 8 क्यूब? ये कॉर्नर है तो देखो, एक क्यूब ये, एक क्यूब इसके जस्ट बगल में इधर। आप ऐसे समझिए, ये एक डिब्बा है, यहाँ एक चार्ज रखा है, यहाँ रखा मान लो। तो आप कह रहे हैं सर इसके बगल में एक डिब्बा यहाँ रखिए, ये पूरा एक क्यूब है नीचे। आप कह रहे हैं एक क्यूब यहाँ रखिए बगल में, ठीक। अब देखना, 2 क्यूब आप इसके, एक इसके पीछे एक इसके पीछे, तो यहाँ से निकलने वाली जो नीचे की तरफ फील्ड लाइन जाएंगी वो तो सब आपने कवर कर ली, लेकिन ऊपर जाने वाली फील्ड लाइंस को रोकने के लिए इन 4 क्यूब के ऊपर एक एक क्यूब और लगाना पड़ेगा। तो इस कॉर्नर को कवर करने के लिए टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने चाहिए? 8। या ऐसे बोले, आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि क्यूब का एक कॉर्नर किसी लैटिस में, क्यूब का एक कॉर्नर कितने क्यूब के लिए कॉमन होता है? तो आपका जवाब होता है 8 क्यूब के लिए कॉमन होता है सर। तो बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, एक क्यूब इसके बगल में, 2 क्यूब इनके पीछे पीछे और 4 फिर क्यूब उन 4 के ऊपर, राइट। तो जरा बताओ अगर हमने इस क्यूब को पूरा ढका तो कितने क्यूब से ढका? 8 क्यूब से। तो बताओ जरा, फ्लक्स थ्रू एट क्यूब आ गया, कितना आ गया? 5 टोटल, और वो टोटल फ्लक्स होगा Q/ε0। तो बताओ एक क्यूब के हिस्से में कितना आएगा? तो आप कहोगे फ्लक्स थ्रू
फ्लक्स थ्रू वन क्यूब, फ्लक्स थ्रू वन क्यूब विल बी इक्वल टू क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्यूब के हिस्से में जो फ्लक्स आएगा वो क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये बहुत अच्छे समझ लीजिए। अब समझना जरा, तो पहला पार्ट का आंसर है क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट। दूसरा पार्ट कह रहे हैं वो तीन फेस जो इस चार्ज को कंटेन कर रहे हैं, रख रहे हैं, उन तीन फेस से फ्लक्स बताओ। तो ध्यान से देखना, इससे जो फील्ड लाइन इस कमरे में आ रही होंगी, देखो पहले तो एक फेस ये है, ऐसे फील्ड होगा इसमें, या अंदर आ रहा होगा ऐसे। एक ये फेस है तो या तो इसको रगड़ रहा होगा या अंदर आ रहा होगा या इधर बाहर जा रहा होगा ऐसे, लेकिन हमको अंदर वाले की बात करनी है। ठीक, तो ध्यान से देखना, ये वाली जो फील्ड लाइन है जो इस ऊपर वाले प्लेन के प्लेन में है, ऊपर वाले सरफेस के प्लेन में है, बताओ इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में है, एरिया वेक्टर उससे कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे है। तो बताओ इस सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। सिमिलरली ये वाली जो लाइट रे है, ये वाली लाइट रे बताओ ग्रेजिंग टू प्लेन है, ये ग्रेजिंग टू सरफेस है, और अगर ये सरफेस को ग्रेज करके जा रही है, रगड़ के जा रही है, तो बताओ इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो ये बताओ एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे भी एंगल 90, तो फाई कितना, जीरो। यानी बताओ ये वाली सरफेस और पीछे वाली सरफेस जो इस कॉर्नर के साथ एसोसिएटेड हैं, आप ऐसे समझिए इस कमरे में हम अगर कहते हैं आपको ये बोर्ड दिख रहा, देखो ये कॉर्नर समझो, तो हम कौन कौन सी सरफेस की बात कर रहे हैं, एक ये बोर्ड, एक बताइए ऊपर वाला छत जो ऐसे आ रहा होगा, समझ रहे हैं, और एक बताइए जरा सरफेस ये वाली हमारी साइड वॉल। तो देखना इसमें यहाँ अगर बल्ब लगा दिए तो जो लाइट रे ऐसे आ रही होगी वो बताइए इसके प्लेन में आ रही होगी, और इसका एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर जाएगा। तो बताओ इस लाइन के वो एरिया वेक्टर कितने एंगल पे होगा, 90 डिग्री पर, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर बेटा बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको रगड़ते हुए आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया 90 पे है, तो फ्लक्स क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब जो तीन सरफेस हैं जो चार्ज को एसोसिएट कर रहे हैं, उन तीन सरफेस से कोई भी फ्लक्स फंसने वाला नहीं है, क्योंकि उन प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है। तो आंसर दूसरे वाले पार्ट का, राइट, दूसरे पार्ट का आंसर फ्लक्स थ्रू द सरफेस कंटेनिंग द चार्ज, जो चार्ज को कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग द चार्ज, आपका आंसर होगा जीरो। वो तीन सरफेस जो चार्ज को कंटेन कर रहे हैं उससे फ्लक्स क्या आ रहा है, जीरो। अब बताओ बचे तीन सरफेस, तो ध्यान से देखना तीन सरफेस कौन से तीन बचे, जो दूर के हैं। दूर के कौन है, मान लो इस कॉर्नर पर चार्ज रखा है, तो ये सामने वाली सरफेस, नीचे वाली सरफेस और ये वाली सरफेस साइड वॉल। तो बताए इस कॉर्नर से इसकी दूरी, सेंटर की दूरी, इस कॉर्नर से वहाँ सेंटर की दूरी, और इस कॉर्नर से इस साइड वॉल के सेंटर की दूरी बराबर। इसका मतलब समझो इस कमरे में जो रोशनी आ रही थी, बताओ वो पूरे वॉट का 1/8 था, 1/8 क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट, और वो भी 1/8 छह सरफेस ने मिलके बांटा, और उन छह में से ये तीन ने कह दिया कि मेरे पे कोई भी फ्लक्स का लिंकेज नहीं है, और बचे तीन कह रहे हैं कि हम इस कॉर्नर के लिए सिमेट्री में हैं। तो बताओ जो क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स आया वो रिमेनिंग थ्री सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो आपका जवाब होगा फ्लक्स थ्रू रिमेनिंग थ्री सरफेसेस, फ्लक्स थ्रू रिमेनिंग थ्री सरफेसेस, रिमेनिंग थ्री सर्फेसेस जो कि नॉट कंटेनिंग द चार्ज हैं, जिन पे चार्ज नहीं रखा है, नॉट कंटेनिंग द चार्ज, उनमें बताइए जो फ्लक्स होगा वो बराबर बराबर बटेगा कितना कितना। तो बताओ इस कमरे में कितना फ्लक्स आ रहा है,
क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट, उसमें से भी तीन ने कितना रखा, जीरो जीरो, तो बाकी तीन ने बराबर बराबर क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट बंटवारा हो जाएगा। जवाब दीजिए, बात समझ में आ रही है? ये Q by 24 कौन सी तीन सरफेस हैं जो इस कॉर्नर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। बराबर बराबर क्यों? क्योंकि इस कॉर्नर से उन सरफेस के सेंटर की दूरी इक्वल आ रही है, इसीलिए चार्ज जो फ्लक्स है वो उन तीनों सरफेस पे बराबर बराबर बटने जा रहा है। अब देखिए, तो मैं ये मान लूं एकदम क्लियर है, अब समझना। अगला सवाल लिखिए, लेकिन ए चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ए चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस ए, फुल स्टॉक वाले लिखें, ए स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस ए इज कंस्ट्रक्टेड विद द सेंटर एट द पेरीफेरी ऑफ द रिंग, विद द सेंटर एट द पेरीफेरी ऑफ द रिंग फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ऑफ स्फीयर, राइट। तो सवाल देखो क्या है, सवाल पढ़ लो, सवाल में कह रहे हैं एक रिंग है, तो बेटा देखो ये मान लो एक रिंग है, ऐसे ये एक रिंग है कंप्लीट। इस रिंग पर क्यू चार्ज ऐसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, मान लो टोटल चार्ज क्यू, ठीक। अब कह रहे हैं हमें एक गॉसियन सरफेस बनानी है स्फेरिकल, और उस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की खास बात क्या है कि उसका सेंटर इस रिंग के पेरीफेरी पे, ये रिंग है इस रिंग के पेरीफेरी पे। तो बताओ इस रिंग का पेरीफेरी मान लो ये मान ले रहा, अच्छा इसकी रेडियस कितनी है, ए, ध्यान से देखना, ये रेडियस ए कही गई इसकी, ओके। हमने इसके पेरीफेरी पर यहाँ सेंटर माना, और इस सेंटर को मानते हुए ए रेडियस का ही हमें एक स्फीयर ड्रॉ करना है। तो बताओ जरा क्या वो स्फीयर इसके सेंटर से पास करेगा, भैया अगर यहाँ हम सेंटर मान रहे हैं तो बताओ यहाँ से पास करेगा, ये सेंटर रिंग का, ये सेंटर हो गया स्फीयर का C2, तो इसके पैरी पैरी पे सेंटर मानते हुए हमने ए रेडियस का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ये हमारा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस के साथ हमको लिंक्ड फ्लक्स बताना बेटा। तो जरा बताओ तुम मुझे, ये सेंटर है हमारे स्फीयर का, हम ये पता करें इस स्फीयर के अंदर देखो ये चार्ज आ रहा है, इतना चार्ज आ रहा है, अच्छा ये वाला चार्ज देखो हमारे स्फीयर के बाहर है, तो इतना जो चार्ज बाहर होगा बताओ उस चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस के साथ कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, केवल फ्लक्स किस चार्ज का बनेगा, जो चार्ज अंदर होगा, राइट। अच्छा बाहर वाले का क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बाहर वाले चार्ज की वजह से जो भी फील्ड लाइन आएगी वो सरफेस को दो बार कट कर जाएगी, जितना एंटरिंग फ्लक्स होगा उतना ही लीविंग फ्लक्स हो जाएगा। तो जरा सुनना, आप कह रहे सर ये चार्ज, बस ये चार्ज आ रहा है हमारे
स्फीयर के अंदर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा ये सेंटर है, इसको ज्वाइन करो ऐसे ऐसे, ये कितना होगा रेडियस ए होगा ये, यार ये सी टू सेंटर है, इससे ज्वाइन करते हैं अगर हम, तो क्या बताओ ये भी तो ए है, दोनों की रेडियस ए है, तो बताओ बेटा ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल ये कितना 60, तो जरा बताना तुम मुझे अगर मैं यहाँ ज्वाइन कर दूँ तो ये भी कितना 60। तो आप हमको बस इतना बता दो, अब ये सवाल इतना बचा, ध्यान देना ध्यान देना, ये हमारा एक गॉसियन सरफेस ऐसे, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये इनक्लोज चार्ज है, ये इनक्लोज चार्ज, इतना चार्ज हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, और ये गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आ रहा है बताना ध्यान से, वो रिंग के सेंटर पर 120 एंगल, रिंग के सेंटर पर 120 एंगल सबटेंड कर रहा है। तो बताओ अगर ये 120 एंगल बनाया तो पूरा रिंग का एंगल 360 होता, पूरा एंगल 360 होता, 360 में 120 बना, तो बताओ ये जो लेंथ होगी क्या वो रिंग की 1/3 लेंथ होगी, तो ये जो चार्ज होगा बताओ वो टोटल चार्ज का Q/3 होगा। हमने पता कर लिया कि हमारे स्फीयर के अंदर जो चार्ज फंस रहा है ये वाला चार्ज, ये चार्ज बताओ इस रिंग के टोटल चार्ज का Q/3 है, और बाहर में कितना है 2Q/3। तो अगर अंदर Q/3 आ रहा है तो बताओ इस गॉसियन सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स फाई लिंक्ड, इस गॉसियन सरफेस के साथ जो लिंक्ड फ्लक्स होगा वो Q(in/ε₀)। ये गॉस लॉ कहता है Q(in) कौन सा चार्ज, अंदर का चार्ज, अंदर चार्ज कितना Q/3/ε₀, तो आंसर आ गया Q/3/ε₀, ये आंसर। किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा कि ये वाला चार्ज, ये चार्ज इसका क्या होगा, अरे भाई ये वाला चार्ज इस गॉसियन सरफेस के बाहर है, और बाहर वाले चार्ज की वजह से कोई फ्लक्स नहीं बनता है, ये बात मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। कोई प्रॉब्लम किसी को, जवाब दीजिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए अगला सवाल, मैं सिर्फ कर रहा हूं बेटा, आप देखिएगा जरा, मैं तुमसे कहूं कि हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब देखिए ध्यान से, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है बेटा ऐसे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है अल्फा एक्स आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड है अल्फा एक्स आई कैप, एक्स में डिपेंडेंट कर रहा है, एक्स ऑरिजिन से मेजर हो रहा है। हमने यहां पर एक क्यूब रखा हुआ है ऐसे, ऐसे क्यूब हमने रखा हुआ है ऐसे, ठीक है ऐसे क्यूब रखा है, इस क्यूब की साइड लेंथ एल है, ये पोजीशन देखो एक्स बराबर एल कही गई है, ये पोजीशन x बराबर 2l कही गई है, ये z बराबर l कही गई है, ये y बराबर l कही गई है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बताओ भाई अगर ये x बराबर l है, ये x बराबर 2l, तो ये साइड लेंथ कितनी l, और ये बताओ z बराबर 0 होगा, ये z बराबर l है तो ये भी तो l होगा, और ये बताओ y बराबर 0 है, ये y बराबर l है, तो ये भी कितना l, यानी इस क्यूब की सारी साइड लेंथ कितनी है L। तो आप सवाल लिखें, सवाल लिखिए, फाइंड टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्यूब, एज सोन इन फिगर,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो एक्स के अलोंग है, वो वेरिएबल फील्ड है बेटा, वेरिएबल फील्ड। सबसे पहला काम इस क्यूब में, अच्छा बताओ अगर ये फील्ड कांस्टेंट होता, कैसा कांस्टेंट होता, तो पता है ये फील्ड कांस्टेंट होता और हम ये क्यूब इसके सामने रख देते, ऐसा सवाल होता, देखना ऐसे फील्ड होता ई नॉट और इसके सामने क्यूब रखा होता ऐसे, और तुमसे कहा जाता कि बताओ इस क्यूब के साथ लिंक्ड फ्लक्स, तो आपका जवाब होता फाई टोटल जीरो। आप तुरंत कहते थे सर फाई टोटल जीरो, राइट, क्योंकि मैंने कल पढ़ाया था आपको कि यूनिफॉर्म फील्ड में क्या अगर कोई भी क्लोज सरफेस किसी भी आकार का रख दिया जाए लिंक्ड फ्लक्स हमेशा क्या आएगा जीरो, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहां क्यों ऐसा था, देखना यहां क्यों ऐसा था पहले ये समझा दें फिर उस सवाल पे आते हैं। अच्छा इन सरफेस के सब छह फेस हैं, इन सब के अगर हम एरिया वेक्टर दिखाएं तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो देखो इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर आउटवर्ड, इसका एरिया वेक्टर नीचे आउटवर्ड। अब अच्छा ये वाला फेस, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, अब बोर्ड पे तो ऐसे नहीं दिखा सकते तो ऐसे, पीछे वाले का अंदर गया होगा एरिया वेक्टर तो ऐसे दिखा दे रहा है एरिया वेक्टर, ठीक। सुनना ध्यान से, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ई नॉट ऐसे और ये वाला सरफेस का एरिया ऐसे, कितने एंगल पे 180। तो इस वाले फेस से ये जो फेस है इसके साथ लिंक्ड फ्लक्स आता माइनस ई नॉट ए, और ये एंटरिंग फ्लक्स था, एंटरिंग फ्लक्स था, नेगेटिव फ्लक्स आया। अब देखना ये वाली फेस, देखो ये वाली फेस, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट है ई नॉट और एरिया भी राइट है, कितना एंगल जीरो। तो यहां फ्लक्स आता प्लस का ई नॉट ए, राइट। अब आ जाओ ये वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एरिया उससे 90 डिग्री पे, ये कहता मुझसे लिंक्ड फ्लक्स जीरो, इससे पूछो ये भी कह रहा फ्लक्स जीरो, ये वाले से पूछो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एरिया वेक्टर ऐसे फ्लक्स जीरो, पीछे वाले से फ्लक्स जीरो। तो फ्लक्स में कॉन्स्टिट्यूट कितने लोग कर रहे हैं, दो सरफेस, एक ये वाली एक ये वाली, और दोनों ने बराबर, इसने जितना नेगेटिव इसने उतना पॉजिटिव, तो अगर हम कहते टोटल फ्लक्स कितना होता तो आंसर होता जीरो। यहां क्या दिक्कत हो गई, यहां दिक्कत ये हो गई कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर किया कम और निकला ज्यादा, क्योंकि फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है अंदर जाने पर, तो एंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव वाला कम है और लीविंग फ्लक्स पॉजिटिव वाला ज्यादा है, तो नेट फ्लक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव फ्लक्स आने वाला है। यहां फ्लक्स अंदर कम गया और बाहर फ्लक्स ज्यादा निकलने लगा, ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। तो देखो भाई, तो एक बात तो तय हो गई कि इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसके साथ फ्लक्स जीरो होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ठीक, और ये वाली सरफेस के एरिया वेक्टर ऐसे होगा। तो बताओ इसको हम बोर्ड पर ऐसे दिखा दे रहे हैं और पीछे वाले का एरिया वेक्टर ऐसे होगा ऐसे, ठीक। आप समझना जरा, तो बताओ केवल कितनी सरफेस फ्लक्स बनाने में रोल प्ले कर रही है, दो। हमने कहा इस सरफेस को नाम दे दें एस वन, इसे नाम दे दें एस टू, ठीक। मैं लिखने चला, तो बताओ फाई एस वन, बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट, एरिया लेफ्ट, फ्लक्स कैसा माइनस 180 डिग्री, तो माइनस का बताओ यहाँ फील्ड कितना है, यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी एल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स या एल रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ऐसे लिख दे रहा हूँ एक बार लिख दे रहा हूँ। तो ये बताओ माइनस अल्फा एल, और ये एरिया होगा ये एरिया एल स्क्वायर, ये एल है ये एल है, इंटू एल स्क्वायर, या गया नेगेटिव का फ्लक्स। अब आ जाओ जरा इस सरफेस से, इस सरफेस से, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फाई एस टू, ये वाली सरफेस, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कितना फील्ड है ये, एक्स की जगह 2L रख दो, तो अल्फा 2L, एक्स की जगह 2L, क्योंकि ये एक्स बराबर 2L पे प्लेन है। तो बताओ ये फील्ड कॉन्स्टेंट हो गई, अगर देखा जाए इस प्लेन में हर जगह हर एरिया पर, डी ए डी एरिया पर, यहाँ 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 हर जगह बताओ फील्ड कॉन्स्टेंट हो चुकी है, तो हम डायरेक्ट फील्ड इनटू एरिया लिख सकते हैं। तो बताओ फाई एस टू, बताओ प्लस का ई इंटू ए टू, ई बताओ कितना होगा, अल्फा टू एल
इनटू एरिया एल स्क्वायर। तो बताओ फाइ टोटल, टोटल जो फ्लक्स आएगा वो फाइ वन प्लस फाइ टू, दोनों को ऐड कर दो तो ये आ रहा बताओ आपका टू अल्फा एल क्यू में से अल्फा एल क्यू बचा प्लस का, तो टोटल फ्लक्स बताइए प्लस का आ रहा, प्लस का आ रहा टोटल फ्लक्स। अच्छा तो टोटल फ्लक्स अगर प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब मैं अगर बाहर खड़ा हो जाऊं ऐसे तो बताओ मुझे इस कमरे से फ्लक्स बाहर निकलता नजर आएगा, लीविंग फ्लक्स की फीलिंग आएगी। नेट फ्लक्स कैसा आ रहा है? लीविंग फ्लक्स। वो बताओ अगर नेट फ्लक्स लीविंग है तो कोई तुमसे ऐसे कहे कि ये फील्ड छुपा दें और हम बाहर खड़े हैं, हमें फील हो रहा है कि फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो बताओ तुमसे कहा जाए इस कमरे के अंदर एक चार्ज एज्यूम करना है तो चार्ज बताओ निगेटिव एज्यूम करोगे कि पॉजिटिव? तो आप कहोगे ऐसा लग रहा है जैसे इस कमरे के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है जिससे फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है। तो कोई हमसे ये भी कह सकता था कि वो एज्यूम्ड चार्ज कितना हो सकता है? तो तुम कहोगे सर बहुत आसान, एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स होता है क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये बेटा कितना आया है अल्फा एल क्यूब इनटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इनक्लोज चार्ज। यानी इस कमरे के अंदर अगर चार्ज एज्यूम्ड किया जाए तो वो आएगा अल्फा एल क्यूब एप्सिलॉन नॉट, इतना चार्ज पॉजिटिव चार्ज एज्यूम्ड किया जा सकता है, राइट? आई थिंक क्लियर। अब देखिए अगला सवाल, इसके बाद हम लोग फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जाने वाले हैं, लेकिन पहले एक दो सवाल और करेंगे फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में एंट्री कर जाएंगे। हटा दे से बेटा, अब देखिए देखिए भाई, हमसे जो सवाल किया जा रहा है क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमसे कह रहे हैं एक कंडक्टर है, ऐसे ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के बाहर यहाँ किसी पॉइंट पी पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? और हमसे कह रहा है कि हमने यहाँ पर एक एक क्लोज्ड सरफेस, ऐसे एक गॉसियन सरफेस बनाया है, ये एक गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस है गॉसियन सरफेस, राइट? तो सवाल लिखें, सवाल लिखें, फिगर सोज ए क्लोज्ड सरफेस, फिगर सोज ए क्लोज्ड सरफेस विच इंटरसेक्ट ए कंडक्टिंग स्फीयर, विच इंटरसेक्ट ए कंडक्टिंग स्फीयर, आगे लिखें फुल स्टॉप बाद, ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी, then flux of electric field through the closed surface, अब ऑप्शन है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ऐसे पूछा है हमसे इस सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स का साइन पूछा है। तो पहले तो एक बात समझो, ये क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, ठीक? हमसे कह रहे हैं इस सरफेस के साथ जो लिंक्ड फ्लक्स होगा फाई वो कैसा होगा, प्लस का माइनस का कैसा होगा? तो यार एक काम करो, इस सवाल को ऐसे समझो, अगर हमने प्लस चार्ज रखा, बताओ ये क्या है, कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। अब कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो करता है जरा समझना, अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज रख दें तो ये प्लस क्यू टेस्ट चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा,
ये फील्ड देखो एक्सटर्नल फील्ड आ रही कंडक्टर के अंदर इस बाहर वाले चार्ज की, लेकिन कंडक्टर कहता हम तो नेट फील्ड जीरो रखते हैं, तो ये तुरंत अपने चार्ज को रीअरेंज करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, पोलराइज करेगा। तो आधे सरफेस पर ये चार्ज प्लस इंड्यूस्ड करता है, ऐसे ऐसे प्लस इंड्यूस्ड करता है, आधे में माइनस इंड्यूस्ड करता है ऐसे, राइट। आधे में प्लस और आधे में माइनस। अब बताओ प्लस से माइनस ये एक एंटी फील्ड डेवलप करता है, इंड्यूस्ड फील्ड, और ये इंड्यूस्ड फील्ड इस बाहर वाली फील्ड को कैंसिल कर देता है ताकि नेट फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या रहे, जीरो। अब कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड जीरो हो रही है तो हमने समझ लिया कैसे जीरो हुई, क्योंकि यहां पे चार्ज प्लस आ गया, यहां माइनस। तो बताओ बेटा अब जो तुमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी है उसके अंदर इनक्लोज्ड चार्ज ये, अच्छा फ्लक्स हमेशा केवल अंदर वाले चार्ज का आएगा। अगर कोई क्लोज सरफेस है, देखो ये सरफेस हमने बनाई थी ऐसे ऐसे बनाई थी क्लोज सरफेस, और इस क्लोज सरफेस के अंदर ये चार्ज आ रहा है प्लस का इतना, तो बताओ इस सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स होगा, बताओ वो प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला प्लस क्यू जो इनक्लोज चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बताओ कैसा फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स आ गया। अगर हम एक गॉसियन सरफेस यहां ले लें, यहां पे ले लें ऐसे, और कहें इस गॉसियन सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स बताओ, तो बताओ इसके अंदर कैसा चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज, तो फ्लक्स होगा निगेटिव। कोई प्रॉब्लम, आई थिंक क्लियर। अब देखिए अगला सवाल, इसे मैं रफ करने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हम आपसे कहें अगले सवाल में कुछ ऐसी बात है, ये एक क्लोज सरफेस है जिसका क्यूब है, ये क्यूब जिसका साइड लेंथ है एल बाई टू, और यहाँ बाहर में एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, लाइन चार्ज समझ लीजिए, जिसकी लेंथ एल है, और ये वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ये फोटोग्राफ टी बराबर जीरो का है। हमसे कह रहे हैं इस जैसे जैसे रॉड इस क्यूब में अंदर आएगा, ये क्यूब है, और इस क्यूब में अंदर आएगा तो हमको ग्राफ बनाना है फ्लक्स वर्सेस टाइम, कि इस क्लोज सरफेस के साथ जो लिंक फ्लक्स है वो टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा होगा, ये हमको पता करना है, राइट। तो समझिए जरा ध्यान से, अगर हम आपसे कहें कि जरा बताओ टी बराबर जीरो पे पहले बात करो, यही बात करो, बताओ इसके अंदर इनक्लोज चार्ज कितना, जीरो, फ्लक्स कितना, जीरो, तो बताओ टी बराबर जीरो पर फ्लक्स जीरो, आप कह रहे जीरो फ्लक्स है। अरे बात समझ में आ रही, जीरो फ्लक्स क्यों है, देखो इसकी फील्ड लाइंस मिड वाली फील्ड लाइन ऐसे होती स्ट्रेट, ये वाली फील्ड लाइन ऐसे बेंड करती है ऐसे, मैंने बताया था आपको ये फाइनाइट लाइन चार्ज है, तो तुम्हें ये कहना चाहिए सर कुछ फील्ड लाइंस तो अंदर जा रही हैं, मुझे तो अंदर जाती दिख रही हैं, फ्लक्स अंदर फील्ड लाइन जा रही हैं लेकिन फ्लक्स नहीं बन रहा, क्यों, क्योंकि एक बार यहाँ कट करा, 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 बताओ ये वाली फील्ड लाइन ने सरफेस को दो बार कट करा, तो जितना फ्लक्स यहाँ से अंदर गया उतना फ्लक्स बाहर निकल गया, तो जितना फ्लक्स यहाँ निगेटिव एंटरिंग फ्लक्स उतना फ्लक्स यहाँ लिविंग फ्लक्स पॉजिटिव, तो नेट फ्लक्स जीरो, तो अभी बेटा फ्लक्स जीरो है। तो इसी को लोग ऐसे समझा देते हैं कि अगर क्लोज सरफेस है तो केवल अंदर चार्ज देखिए, वो अगर अंदर चार्ज नहीं है पूरा चार्ज बाहर है तो फ्लक्स भी जीरो होगा, राइट। टी टाइम के बाद देखना, टी बराबर टी पर किसी जनरल टाइम पे देखें, तो बताओ जनरल टाइम पर इस क्यूब के अंदर इसकी कुछ लेंथ अंदर आ जाएगी, कितनी लेंथ अंदर आ गई, ये वाली लेंथ, ये कितनी लेंथ होगी अगर हम उनसे कहें, तो ये लेंथ मान लो x,
तो बताओ इस एक्स लेंथ पे जो चार्ज होगा क्यू इन वो हो जाएगा, बताइए यहाँ पे लैम्डा मान लो चार डेंसिटी लैम्डा, तो बताओ लैम्डा इंटू एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो लैम्डा इंटू एक्स, एक्स बताओ ये बी स्पीड से जा रहा है और टी टाइम में एक्स चला है, तो एक्स जगह बी टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या देखा तुमने, इनक्लोज चार्ज ये आ गया, इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया फ्लक्स। तो बताओ जो फ्लक्स आ रहा है ये नंबर पूरा कॉन्स्टेंट है, तो बताओ फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू टाइम आ गया। अच्छा ध्यान देना, ये जो लैम्डा माना है हमने, लैम्डा माना है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो तुमने क्या देखा कि टी टाइम के बाद फ्लक्स क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, इनक्लोज चार्ज होगा लैम्डा एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट और एक्स होगा बी टी, यानी टाइम के साथ फ्लक्स बढ़ रहा है। अब देखना फ्लक्स कब तक बढ़ेगा, जब तक इस क्यूब में L बाई टू लेंथ अंदर ना आ जाए, कितना L बाई टू, और L बाई टू बाहर है तो ये टाइम कितना होगा L बाई टू भी, और यहां बताओ फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम कितना लैम्डा L बाई टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L बाई टू लेंथ अंदर चली गई। अब देखना, अब जब ये बाहर निकलेगा तो देखो पिक्चर कुछ ऐसा होगा, कुछ यहाँ ऐसे निकलने लगेगा, लेकिन अभी बताओ अंदर जो लेंथ है क्या वो अभी भी L बाई टू होगी, तो बताओ जो फ्लक्स होगा वो बदलेगा कि कांस्टेंट, तो आप कहोगे फ्लक्स थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया लैम्डा L बाई टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये फ्लक्स कब तक कांस्टेंट होगा, जब तक कि ऐसा फोटो ना बन जाए, ऐसा ऐसा ये फोटो, यहाँ तक, यहाँ तक का मतलब कुछ समझे, L बाई टू बाहर निकल गया, L बाई टू बाहर निकल गया, ये L लेंथ में L बाई टू अंदर, L बाई टू बाहर चला गया, तो बताओ ये टाइम हो गया L बाई वी, पूरा L लेंथ चल गया, इस टाइम तक फ्लक्स अभी भी मैक्सिमम है लैम्डा L बाई टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखना, अब ये जैसे ही बाहर जाएगा, अब जैसे ही बाहर जाएगा तो फ्लक्स घटने लगेगा, ऐसे ऐसे, अब फ्लक्स घटने लगा बेटा, अब फ्लक्स घटने लगा क्योंकि अंदर वाला चार्ज घटने लगा, तो अब ये फ्लक्स बताइए डिक्रीजिंग होगा, और ये होगा लैम्ड क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये कब तक घटेगा, ये देखो इनक्लोज चार्ज घट रहा है तो फ्लक्स भी घट रहा है, और ये बताओ जब पूरा बाहर निकल जाएगा ऐसे ऐसे, तो बताइए जरा इस कंडीशन में फ्लक्स फिर से जीरो हो जाएगा। तो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अच्छा ये टाइम कौन सा होगा, ये टाइम पूरा बाहर आ गया, तो देखो ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये L चल गया और L बाई टू चल गया, 3L बाई टू चल गया, तो ये टाइम होगा 3L बाई टू भी। अगर हम आपसे कहें इसके लिए फ्लक्स टाइम के साथ ग्राफ बनाइए, तो देखिए ध्यान से ऐसे, यहाँ पर है फ्लक्स, इधर है टाइम, यहाँ फ्लक्स इधर टाइम, तो टी बराबर जीरो पर फ्लक्स कितना था, जीरो यहाँ से शुरुआत, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम लीनियरली बढ़ रहा था, फ्लक्स लीनियरली बढ़ा, कब तक बढ़ा, कब तक बढ़ा, तो फ्लक्स मैक्सिमम हुआ था इतना, और वो भी किस टाइम पर, एल बाई टू बी, ये वो टाइम है L अपॉन टू बी, और ये फ्लक्स हो गया मैक्सिमम, और ये फ्लक्स मैक्सिमम कुछ देर के लिए कांस्टेंट रहा, तो देखो ये कांस्टेंट हो गया, और कब तक कांस्टेंट रहा, टाइम हो गया L बाई वी, उसके बाद जब ये रॉड बाहर निकलने लगी तो फ्लक्स लिनियरली घटने लगा, और घटते घटते जीरो हो गया, और ऐसा होने में टाइम हो गया 3L बाई टू बी। ये हमारा इस क्यूब से इस क्लोज सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आई थिंक क्लियर। तो बेटा अब इसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखेंगे, राइट, ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर रोकेंगे। आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं तो हम आपको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट
नहीं बताएंगे, सीबीएसई में सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन हम थोड़ी सी हिंट आपको कर देंगे ताकि अगर कोई भी सवाल आपके सामने उस तरीके का आता है तो आप कर ले जाएँ, तो थोड़ा हिंट हम जरूर करेंगे। तो अब आप यहाँ पे हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और हम मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, राइट?